हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिस सून। सबसे पहले आप सबको हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं पोटैटो कटलेट्स। पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए मैंने 5 बॉयल्ड आलू लिए हैं, जिसे मैं पील करके मैश कर लूँगी। ये मैंने समक राइस लिए हैं, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। लगभग 3-4 चम्मच हैं, इसे भी मैं पोटैटोस में ही डाल दूँगी। ये मैंने रोस्टेड पीनट्स लिए हैं, इसे मैं दरदरा पीस लूँगी। इसे मैं पोटैटोस में ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिससे कटलेट्स जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। इसमें मैं रोस्टेड ज़ीरा पाउडर डालूँगी। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे। सीखा नमक जो व्रत में खाया जाता है, वो भी हम इसी में ही ट्रांसफर कर देंगे। मैंने एक लेमन का जूस निकाल लिया है, उससे भी मैं आलू में ही ट्रांसफर कर दूंगी। 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर डालेंगे हम। धनिया पत्ते को मैंने फाइनली चॉप्ड करके उसमें डाल दिया है, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर कटलेट्स तैयार करेंगे। दूसरी तरफ मेरा घी गर्म हो चुका है, इसमें मैं सारे कटलेट ट्रांसफ़र करके फ्राई कर लूँगी। कटलेट्स को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, पलट पलट कर। अब हमारे कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। हमारे कटलेट्स सर्व करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।